एसेंट एसेंट नहीं है जिसके अंदर भाई अपना ये देखो भाई जैसा वूफर का वर्क देखो भाई यहाँ पे भाई भाई ने करा रखी पूरी गाड़ी जेड मतलब एसेंट मैंने बहुत कवर करी है लेकिन इतनी मतलब नई कंडीशन में ना भाई कंपनी से आती है येलो अरे व्हाइट जल रही है तो ये भाई कैसे कलर में आता है ये रेड कलर में आता है रात को ट्रेंडिंग काम करवा रखा है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है तो भाई इसको मैंने इसमें स्टार लाइट डाला रखे थे जो कि स्ट्रेट पाइप थे अब इसमें भाई ये मेरी तीसरी एसेंट है जो मैंने चेंज करी और बल्कि तो हेलो गाइस वेलकम बैक टू द चैनल मेरा नाम है ऋषभ बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ऋषभ चौधरी व्लॉग्स पर हमारे पीछे भाई जैसा गाड़ी देख रहे हो गाड़ी हमारे पास भाई आई है एसेंट जो कि भाई रहने वाली है अपना 2012 मॉडल। बाकी भाई जैसा अभी देख रहे हो फिलहाल आपने सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह देखेंगे भाई गाड़ी ना काफी ज्यादा मेंटेन कर रखी है जिन भाई की गाड़ी है तो ज्यादा देर नहीं करते हैं मिलवाते अपने गाड़ी के ओनर से करते हैं आज की वीडियो शुरू लेट्स गो। तो जैसा देख रहे हो आज की वीडियो हमारे साथ रहने वाले शहर भाई कैसे हो भाई बढ़िया मेरे भाई आप बताएं। बस भाई एकदम सब बढ़िया। तो भाई सबसे पहले भाई ऑलवेज अपनी वीडियो में शुरू करते हैं भाई अलॉय व्हील से लेकिन भाई पहले मुझे उससे पहले बताओ अपनी तुम्हारी गाड़ी का भाई मॉडल कौन सा रहने वाला है। मॉडल हमारा रहने वाला है 2012। तो भाई मतलब जैसे हमारे एसेंट लवर है ना बेसिकली जो एसेंट की वीडियो में बार बार लाता हूँ ना अपने चैनल पे वो भाई मेरे चैनल को ना भाई एसेंट लवर बहुत ज्यादा प्यार देते हैं बिल्कुल बहुत ज्यादा पसंद है भाई एसेंट जो है मतलब ये लगा लो एसेंट का टैग भी बहुत अच्छा चलता है अपने चैनल पे तो उसी भाई जैसा प्यार करते तो भाई हमारा भी फर्ज है दोबारा रोज रोज वीडियो लाना अच्छी अच्छी एसेंट से रिलेटेड। तो भाई ये बताओ ये आपकी कौन सी एसेंट है। ये मेरी एसेंट 1.5 है ठीक है जो कि पेट्रोल में आती थी ठीक है जी। तो अपने 1.5 अपनी भाई की जो एसेंट है 1.5 लीटर राइट भाई जी, 1.5 है। बिल्कुल भाई और वैसे आपने मतलब कितनी एसेंट अभी तक चेंज करी है भाई। भाई ये मेरी तीसरी एसेंट है जो मैंने चेंज करी और बल्कि मैंने चेंज नहीं करी मेरे पास अब भी तीन एसेंट है। अच्छा तीन एसेंट है भाई तो देख रहे हो यार यही कुछ ऐसा क्रेज रहता है जो अपने चैनल पे दिखाना चाहता हूँ मैं ऑलवेज। तो भाई जैसा आपने तीन एसेंट भाई रखी हुई है बाकी भाई तीनों मॉडिफाइड करा रखी है या फिर क्या सीन है। पहले जैसे आपको पता है कि टाइम की बात होती है पहले मेरे पे दोनों व्हाइट कलर थे तो मैंने पहले वो मॉडिफाई करा रखी थी। मैं रिसेंटली मैंने ये परचेज करी मेरे को हो गए 4 से 6 महीने जी तो मैंने अब इसमें लगाए हैं सारे पैसे वो मैंने नॉर्मल रखी क्योंकि वो घर वाले ड्राइव करते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो भाई जैसा भाई ने बताया भाई अपनी दोनों एसेंट जो है बाकी वो भाई नॉर्मल रखी हुई है। बाकी भाई देख रहे हो यहाँ पे बात करते हैं अपनी आज इस वाली एसेंट की भाई ने जैसे बताया 2012 मॉडल रहने वाला है बाकी भाई ये आपने फर्स्ट ओनर ली थी या सेकंड ओनर। ये मैंने फर्स्ट ओनर ही ली थी। अच्छा 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 तो यानी कि भाई अब ये सेकंड हैंड हुई आपके सेकंड हैंड हुई है सेकंड ओनर हुई है। बिल्कुल बिल्कुल तो भाई यार एसेंट की अपने सेकंड ओनर है। बाकी भाई स्टार्ट करते हैं भाई अपना ऑलवेज अपनी वीडियो में शुरू करते हैं अलॉय व्हील से। तो अलॉय व्हील भाई कितने इंचेस के अलॉय व्हील इसमें 17 इंचेस है 17 हां जी। तो भाई जैसा आप बता रहे थे आपने इससे पहले कुछ और भी डला रखा था। इससे पहले मैंने इसमें स्टार लाइट डला रखे थे जो कि स्ट्रेट पाइप थे अब इसमें बेंड पाइप्स हैं। तो भाई जैसा अपना देखो जैसा अपना यहाँ पे ब्रांडिंग देख रहे हो भाई इनक्यूबस की भाई अपनी ब्रांडिंग रहने वाली है और भाई टायर की जो प्रोफाइल है 215/45R17 भाई ने एक्जेक्टली 17 इंच के भाई अपने बताया चाइनीज है अपने टायर तो भाई। हाँ जी चाइनीज टायर है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अलॉय के भाई कुछ अपनी जो लुक है भाई इस तरह की आने वाली है। बाकी भाई कंपनी से कितने आते हैं इसके अंदर। कंपनी से इसमें 13 इंच आते हैं 13 से भाई आप जैसे 17 पे चले गए तो यार हम इसको थोड़ा सा थोड़ी टाइम बाद और अपग्रेड करें कुछ अलग करें और भी अपग्रेड करने की सोच ज्यादा और ऊपर अपग्रेड करना है। चलो भाई ठीक है मेरे हिसाब से तो भाई 13 से सीधे 17 यार कुछ ज्यादा नहीं लगता कभी नहीं कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ कभी भी कभी महसूस नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई जैसे अपना देख रहे हो तो आप लोग रिसेंट में अलॉय प्लान कर रहे हो तो भाई 13-17 ले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई फ्रंट पे बात करते हैं जैसे फ्रंट पे ना भाई अपने बहुत ही ट्रेंडिंग काम करवा रखा है जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है तो भाई इसको क्या बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं कैमिलियन रैप। तो भाई ये है अपना कैमिलियन रैप अपना जैसा देख रहे हो भाई बहुत ही प्यारा भाई ने यहाँ पे कैमिलियन रैप करा रखा है और अपने ORVM जो है भाई वो भाई ने करा रखे हैं ब्लैक रैप है भाई ये नहीं रैप नहीं है पेंटेड है। अच्छा ये पेंट करा रखे हैं 2K पेंट जो आता है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
तो बाकी भाई बात करें भाई अपने अलॉय टायर की, भाई कॉस्टिंग क्या पड़ी थी आपको? अलॉय टायर की कॉस्टिंग हमें पड़ी 34,000 सेकंड हैंड की। बाकी नई की बात करें तो ये नई की बात करें तो ये पड़ते हैं अप्रॉक्स 56-54 के, मतलब 55 से 60 के बीच में। बिल्कुल। तो बाकी बात करें भाई अपना जो कमिलियन रैप आपने कराया इसकी क्या कॉस्टिंग पड़ी? इसकी कॉस्टिंग पड़ी थी अराउंड 2800। तो भाई जैसे अपना देख रहे हो 2800 के आसपास भाई अपनी बाइक की कॉस्टिंग पड़ी थी। बाकी भाई फ्रंट पे जैसे आगे भाई HSRP वगैरह नहीं लगवा रखी, नॉर्मल नंबर प्लेट ऐसा उसमें मजा सा नहीं आता, ये थोड़ी फैंसी लगती है लुक के लिए। तो भाई कोई भी मैं ऐसी चीज रिकमेंड नहीं करता जो कि भाई ऐसी हो, जो भी भाई इलीगल हो वो मैं रिकमेंड नहीं करता, जैसे HSRP चल रही है आजकल ना भाई। बिल्कुल सही बात है। तो भाई फ्रंट से भाई अपनी गाड़ी जो देख रहे हो भाई कुछ ऐसा लुक दे रही है। यार भाई जैसे ना हम अपनी साइड की प्रोफाइल की बात कर रहे थे भाई, गाड़ी जो साइड से ना बहुत प्यारी लुक यहाँ पर निकाल रही है, जैसे भाई अलॉय वगैरह भाई ने करा रखी पूरी गाड़ी जेड ब्लैक, जो कि भाई बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं करता। अपनी वीडियो भाई की देखा थे कि बगैर जेड ब्लैक वगैरह कराओ, सही बात है भाई? बिल्कुल सही बात है, जिसको करानी है अपने हिसाब से कराओ। बिल्कुल अपने हिसाब से रहो भाई, हम किसी को रिकमेंड नहीं करते। बाकी भाई साइड की प्रोफाइल बात करते भाई, साइड में आपने यहाँ पे क्या क्या कस्टमाइजेशन करा रखी है? साइड में सिर्फ सारी चीजें नॉर्मल है, इसमें सिर्फ मैंने जो मेरे मिरर है वो मैंने ब्लैक करा रखे हैं, और जो ORVM है वो ब्लैक करा रखे हैं, जो कि रैप नहीं है पेंटेड है। ठीक है भाई, ORVM हमारे ग्लॉस में पेंटेड है, रिसेंटली मैंने कल ही कराए और कल ही गाड़ी आई है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छी बात है, मतलब कल गाड़ी आई आज हम आ गए। बिल्कुल। तो भाई जैसे अपना रूफ देख रहे हैं भाई, आपने ग्लॉस ब्लैक करा रखी है, तो ये भाई कैसे क्या सीन है इसका? ये इसमें मैंने इस वजह से कराया था क्योंकि मेरे को इसके ORVM और इसका कॉम्बिनेशन थोड़ा ड्यूअल टोन का अच्छा लगता है, ड्यूअल टोन का अच्छा लगता है, और भाई देखने में भी काफी यहाँ पे अच्छा लग रहा है। सही बात है भाई? बिल्कुल सही। बिल्कुल। तो भाई अपना जैसा देखो फ्रंट साइड की भाई आपको लुक दिखा दी, सिनेमेटिक शॉट्स आप लोगों ने देख लिया। अब चलते भाई एक बार रेयर पे। तो भाई अपने रेयर पे आ गए हम, और अब रेयर की अपनी डिग्गी देखो, तो भाई ये स्पॉइलर है क्या चीज है भाई? ये लिप स्पॉइलर है, जब रात में हम चलते हैं तो ये ग्लो करता है। अच्छा, ये जलती है इसके अंदर लाइट? रात में लाइट जलती है। बिल्कुल। तो भाई अपनी जैसा देख रहे हो, तो ये भाई कैसे कलर में आता है? ये रेड कलर में आता है रात को, जैसे कि आप देख रहे हैं रेड है, इसमें रेड लाइट जलती है, ये वाला जी, इसमें रेड जलती है। बिल्कुल। तो भाई जैसा देख रहे हो अपनी ये अपनी रेड कलर की लाइट यहाँ पे जलती है। बाकी भाई मतलब वो एसेंट नहीं है जिसके अंदर भाई अपना बैक एंटीना ना हो। बिल्कुल सही बात है भाई, मतलब आज की डेट में तो यार एशियन में मिलता नहीं है, कैसे मिला? नहीं मिलता भाई, ये मैंने आई थिंक पुराना लिया था। हाँ? जो मेरी पुरानी वाली गाड़ी थी उसमें से मैंने निकाल के इसमें लगाया, क्योंकि वो वाले घर वाले चलाते यूज करते नहीं है जी, तो उसमें बेकार हो रहा था, मैंने इसमें लगाया है। बिल्कुल। एज यूजल कोई ऐसी आपको एंटीना की जरूरत पड़ती नहीं होगी, लेकिन सिर्फ लुक की वजह से, ये एशेंट की शान है भाई, मानते हो ये बात? बिल्कुल सही बात है भाई। बिल्कुल। तो भाई पता, मैंने स्टार्टिंग करते हुए ये बात इसलिए पूछी थी कि भाई आपकी कौन सी एशेंट है, क्योंकि मैं अभी तक जितना भी बार रिव्यू करने गया ना, वो भाई कोई ना कोई तीसरी चौथी मतलब एसेंट लवर ऐसी है उन्हें। भाई एसेंट है, एसेंट जैसी गाड़ी आज तक नहीं बनी, ना ही कोई बनेगी। और भाई अगर मैं ये जानना और चाहता हूँ, अगर एसेंट दोबारा मार्केट में आ जाए तो भाई बताओ कैसा रहेगा? तो भाई बहुत अच्छी बात है, एसेंट आई है एक्सेंट के नाम से रीनेम होके, मगर उसमें मजा नहीं है भाई, वो ये चीज अलग है, वो ये चीज इसका कोई तोड़ नहीं है, विंटेज वाला लुक अलग सा लुक है इसका। तो भाई जैसा अपना देख रहे हो, बाकी भाई बाहर से तो हमने पूरी गाड़ी कवर कर ली, एक बार भाई अंदर चलते हैं। चलिए, उससे पहले भाई अपना जूस आ गया, जूस और पी लेते हैं। चलो भाई। तो भाई लोगों जैसा ना भाई अपने भाई की गाड़ी के अंदर आ गए हैं, भाई जैसा देखो अंदर से ना भाई इतनी नीट एंड क्लीन भाई ने यहाँ पे गाड़ी कर रखी है। देखो भाई मैट्स डालने के बाद भी भाई ने यहाँ पे भाई न्यूज़पेपर डाल रखे अंदर, यार कैसे भाई? गाड़ी में जब तक सफाई ना हो बैठने का मजा आता ही नहीं, मजा नहीं आता भाई। बिल्कुल सही बात है, देख रहे हो यार, मतलब ऐसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इतनी नीट एंड क्लीन, तुम्हारा भाई भी ऐसी रखता है भाई। बिल्कुल सही बात है भाई, जब तक गाड़ी में साफ नहीं होगी आप कैसे चला लोगे उसे बताओ, जब उसमें बैड डोर आएगी बिल्कुल कैसे वाइब्स आएंगी आपको? वाइब्स नहीं आएंगी। बिल्कुल सही बात है भाई, शहर भाई ने भाई एकदम बहुत अच्छी बात बोली है। बाकी भाई जैसा हम गाड़ी के अंदर आ गए हैं, अब मुझे ये बताइए भाई गाड़ी में आपने अंदर से क्या क्या कस्टमाइजेशन करा रखा भाई? इसमें मैंने कस्टमाइज करा रखे बकेट सीट कवर्स, ठीक है भाई, और जैसा देखो मार्केट, इसमें मैंने स्टीरियोज लगा रखे हैं, ठीक है स्टीयरिंग मेरा इसमें रैप हो रखा है ब्लैक में, ठीक है भाई, ठीक है, और जो मीटर में लाइट आती है वो आपकी कंपनी से आती है येलो। अरे व्हाइट चल रही है इसमें, व्हाइट में थोड़ी सी वाइब्स ये आती है कि जैसे अब नई गाड़ी आ रही है उसमें व्हाइट मीटर आ रहे हैं, व्हाइट आ रहे हैं, तो इसका मैंने मीटर जो है अब मीटर ही मैं सोच रहा हूँ इसका कस्टमाइज कराऊं, दूसरा लगेगा और स्टीयरिंग भी इसमें दूसरा लगेगा। तो मतलब इतना सब कुछ भाई, इस मतलब इतनी पुरानी गाड़ी होने के बाद भी आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो? भाई तैयार मैं इसलिए हूँ, इस गाड़ी जैसी आज तक कोई दूसरी गाड़ी ना ही बनी है ना कोई बनेगी। वही वाली बात है, मतलब रिसेंट लवर ना अपने बहुत ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल। तो भाई जैसा अपना भाई फ्रंट पे स्टार्ट करते हैं भाई अपना डैशबोर्ड से ही, तो भाई यहाँ पे जैसा आपने भाई म्यूजिक सिस्टम में क्या क्या अपग्रेडेशन है भाई? म्यूजिक सिस्टम में भाई मैंने आफ्टर मार्केट स्टीरियो लगा रखा है इसमें पायनियर का, ठीक है उसके बाद मेरी ये 6 इंची के ओवल लग रहे हैं आगे, ठीक है भाई, जैसा देख रहे हो MGT कंपनी के लग रहे हैं, इसका पेयर आता है 12,500 रूपए का, 12,500 रूपए का, और इसकी क्लैरिटी इतनी अच्छी है, वो क्वालिटी अच्छी देता है, जबरदस्त देता है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे TS20 पायनियर के, ये देखो भाई TS20 भाई ने यहाँ पे पायनियर के डला रखे हैं। बिल्कुल भाई, इसमें एक
जो आवाज होती है आपकी छन छन जैसे आप समझ रहे होंगे, जो बीट्स आते हैं वो एकदम, हाँ जो ट्रेबल आता है उसमें एकदम क्लियर आता है, जैसे कि आप अभी आगे सुनेंगे तो आप फील करना है आवाज को अपने हेडफोन्स लगा के। जी जी जी, हाँ जी। तो भाई जैसे अपना देखो, बाकी अपने भाई सनशेड भी भाई ने यहाँ पे ब्लैक करा रखे, मतलब एसेंट मैंने बहुत कवर करी है लेकिन इतनी मतलब नई कंडीशन में ना भाई बहुत कम है, मतलब जो मार्केट के अंदर मैंने देखी है। तो वाकई में इस, मगर भाई वीडियो अगर आप लोग अच्छी लगे ना वीडियो को लाइक करो भाई इसी बात पे, एसेंट लगा सारे। तो बाकी भाई अपना बात करते भाई अपने सिस्टम के अंदर, तो भाई सिस्टम में आपने क्या क्या अपग्रेड करा रखा? सिस्टम में मैंने भाई मेरे इसमें दो वूफर लग रहे हैं, एक JBL लग रहा है, एक पाइन वो लग रहा है पंख ऑडियो, ठीक है, और इसमें मेरा एक लग रहा है मोनो और दो लग रहे हैं फोर चैनल। हाँ जी, तो भाई अपना एक मोनो और दो फोर चैनल, उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे करा रखा? उनकी प्लेसमेंट मैंने बैक सीट पे कसवा रखे हैं, इस वाली सीट पे, ठीक है। और अपने पीछे ओवल कौन सी कंपनी? पीछे मेरे ओवल लग रहे हैं इन्फिनिटी के रेफरेंस, जो कि अब मिलते नहीं है, ओल्ड बैच के। ओल्ड बैच के, ठीक है भाई। तो आवाज तो एक नंबर आने वाली है, एक नंबर आने वाली है। तो भाई हमारे व्यूअर्स भी बोल रहे हैं कि अब ज्यादा मत करो, बस आवाज सुना दो जी, बस बिल्कुल। शहर भाई एक बार ना आवाज एक बार चला दीजिए गाना और सुनाते हैं। तो भाई लोगों जैसा आपने यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम सुना भाई, क्या प्योरली आवाज आ रही है भाई, वोकल्स मतलब मुझे लग रहा है बेस से ज्यादा वोकल का शौक है आपको। जी भाई बिल्कुल भाई। तो भाई जैसा अपना वोकल्स आपने सुने, प्लस भाई ट्रेबल है ना अपना TS-20 बहुत प्यारा भाई यहाँ पे निकाल रहा है। इसकी क्लैरिटी है, इसकी क्लैरिटी का तोड़ नहीं है, इसके जैसे आज तक कोई ट्विटर नहीं है। बिल्कुल 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 भाई, कोई ट्विटर नहीं आया मुझे लगता है, नहीं आ पाएंगे। पाइन की जगह ना कोई थी ना कोई, ना कोई ले पाएगा भाई, वही वाली बात है कुछ इसी तरीके भाई अपने एसेंट लवर और पाइनल लवर भाई इन चीजों को लगवाते। एक बार भाई पीछे ना अपना वूफर दिखाते हैं, चलते बिल्कुल मेरे भाई चलो। तो भाई आप लोगों को एक बार पीछे चलते हैं और वूफर दिखाते हैं, वूफर कौन से थे जिनकी आवाज इतनी प्यारी आप लोगों को आ रही थी भाई। ये देखो भाई जैसा वूफर का वर्क देखो भाई, यहाँ पे एक पंक ऑडियो ने बताया था, एक JBL भाई, ये अपने कितने कितने RMS के अंदर रहने वाले? ये हमारे 350-350 के अंदर रहने वाले हैं। 350-350। तो भाई अपने दोनों 350 RMS हैं, प्लस अपने भाई टोटल स्पीकर कितने इसके अंदर? टोटल स्पीकर इसके अंदर है 14। 14 स्पीकर, टोटल 14 स्पीकर है, क्या बात है। और भाई प्रॉपरली जैसा देख रहे हो भाई, रॉक स्टार और भाई ब्लू जोन की भाई ने यहाँ पे भाई डैम्पिंग वगैरह करे, पूरी गाड़ी डैम्प करा रखी? पूरी नहीं कराई, अब मैंने पूरी करानी है इसके अंदर, क्योंकि मैं सिर्फ एक ही वूफर रखने वाला हूँ 1200 RMS का। जी जी जी, जब करवाऊंगा बिल्कुल। तो भाई जैसे मैं यहाँ पे देख रहा हूँ भाई, LED आपने क्रिस्टलाई का अंदर बॉक्स रखा हुआ है, तो क्रिस्टलाई इंस्टॉल्ड है? क्रिस्टलाई इंस्टॉल्ड है। तो भाई कैसा रिव्यू है इसका? रिव्यू ऐसा है कि रात में, इससे पहले मेरी गाड़ी अभी मैंने रिसेंटली कराई है, ब्लैक कराई है जी, अभी मैं बाहर गया तो उसके चक्कर में मैंने फिल्म उतारनी पड़ी थी मेरे को। जी 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 भाई, उससे पहले उसका मतलब ऐसा था कि जब ब्लैक गाड़ी में इतना व्हाइट दिखता है, ब्राइट दिखता है, तो नॉर्मल में ऐसा कर देती, रात को चांदना दिखता है एकदम, मतलब मजा आ जाता है एकदम, ये बिल्कुल भाई। तो क्रिस्टल आई का भाई अपना ओवर रिव्यू भाई ने ऐसा दिया। तो बाकी लास्ट में ना मैं दो ही चीजों के बारे में जानकारी लेता हूँ अपनी ऑलवेज वीडियो में। तो पहली तो चीज क्या है भाई, अपनी जो गाड़ी है ना वो फिलहाल भाई अभी एवरेज कितना दे रही है CNG पर? CNG भाई अगर मैं लोकल में लूँ तो इसकी एवरेज है 7 से 8 की। 7 से 8 की, 7 से 8 की, चलो भाई काफी कम है यार, ये तो देखा जाए, मगर भाई शौक अपनी जगह है। बिल्कुल सही बात है। तो भाई रश ड्राइविंग करते हो क्या ज्यादा ही? नहीं भाई रश नहीं करता, इसके काफी सारे रीजन है, क्योंकि इसकी मैंने साइलेंसर की जाली हटवा रखी है, तो एग्जॉस्ट टाइप काम करता है, एग्जॉस्ट टाइप काम करता है वो थोड़ा बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, तो थोड़ा वो सुनाया जाए क्या? सुनाया जाए, मगर उसमें क्लैरिटी अभी आएगी नहीं, क्योंकि उसका काम रह रहा है अभी। चलो तो भाई कराओ तो फिर दोबारा से एक बार भाई, दोबारा से हम रिव्यू करेंगे इसका, जब सिलेंसर लगवा लूंगा मैं उसके बाद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई अभी जैसा भाई ने बताया भाई अपना 7-8 की एवरेज CNG पे दे रही है, पेट्रोल पे लगाएंगे? पेट्रोल पे तो 5 की एवरेज दे रही है भाई, बताओ पेट्रोल पे 5 की एवरेज, मतलब यार यकीन नहीं होता भाई एसेंट भी इतना कम दे रही है, क्योंकि एसेंट मैंने ज्यादातर सुना बहुत अच्छा एवरेज निकाल, एवरेज देती है भाई, बट इसके पीछे काफी सारे रीजन है, जो इसके अंदर लगा हुआ है कुछ सामान थोड़ा सा मतलब खराब हो रहा है, वो मेरे को चेंज करवाना है। कोई बात नहीं, सर्विस को भी काफी टाइम हो गया, इस चक्कर में भी इसकी एवरेज जो है गिर रही है। चलो भाई मैं तो यही बोलूंगा कि ऑलवेज भाई सर्विस वगैरह टाइम पे कराओ भाई, सही बात है। तो भाई बाकी अपनी एवरेज की बात होगी, बाकी अब बात करते हैं भाई अपनी एसेंट भाई, इसमें आपने अभी तक कितना पैसा लगा रखा है? इसमें ये मैंने इसमें अप्रोक्स लगा दिए होंगे 1,00,000 से 1,25,000 रुपए लग चुके हैं, जो मेरा मोटा मोटा भी हिसाब है, जिसका नहीं है वो अलग चीज। बिल्कुल, तो मतलब मोटा मोटा 1.5 लाख के मोटा मोटा 1.5 मान लीजिए। बिल्कुल, तो भाई जैसे अपना ये एसेंट देख रहे हो, आप लोग भी अगर एसेंट बनाना चाह रहे हो, तो 1.5 लाख के आसपास भाई अपना खर्चा बता रहे जो भाई ने यहाँ पे कराया,
बाकी भाई कोई भी ये कमेंट मत करना कि भाई एसेंट चाहिए, भाई अपनी एसेंट बेच रहे हो। सही बात है भाई, नहीं भाई बिल्कुल नहीं, ये मैं एसेंट मेरी जान है, मैं इसको नहीं बेचूंगा। बिल्कुल भाई, क्योंकि बहुत सारे बंदे ना वीडियो देख के बोलते रहते, दूर दूर से कमेंट करते भाई बेच रहे हो क्या, हम ले लेंगे हम ले लेंगे। नहीं भाई ऐसा कोई प्लान नहीं है। बाकी भाई सारी चीजें हो चुकी आज की वीडियो में। भाई एक बार अपने इंस्टाग्राम हैंडल और बता। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा, SHER_007, SHER_007। तो भाई SHER_007 भाई का इंस्टाग्राम हैंडल है, भाई को जाके इंस्टाग्राम पे दबा के प्यार देना। आज की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू सो मच भाई। थैंक यू भाई। तो भाई लोगों एंड में यही बोलूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को करना सब्सक्राइब, कोई भी क्वेरी तो कमेंट करके पूछना, बाकी अपने एसेंट लवर तो लाइक करके जाना। मिलते हैं तब तक के लिए, बाय बाय।